So in the previous class, we have discussed about the Bohr's atomic model, in which we have read about the Bohr's basic postulates and find radius, wave number, frequency, wavelength and energy of atom, specifically tomorrow hoche hydrogen atom pai. To aji dekhiba ame sei Bohr's ko deithiba hydrogen spectrum. से जो हाइड्रोजन एटम को नहीं कि से देथिले गुटे तार एनर्जी लेवल को नहीं कि ताको कह जाय तमरो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम त ता पूर्व जीवा पर जानबे कोन जेंस रथिला तो बोर थरे कोन कोले गुटे एटम को नहीं कि ना गुटे ट्यूब भीतर ज ताको कोन कोले गरम कर देले हीट देले ता फल कोन ला सेटु किछि रे तमरो बाहरिला तो से रे गुडा को से कहिले तमरो डिस्क्रीट रेज बा लाइन स्पेक्ट्रम बा एनर्जी स्पेक्ट्रम ताको कहिले तो सपो जदि एग्जांपल हाबरे नै नियो लाइन गुडा धर तिला तमरो भिवगीय तिला जो तो जानि छ तमरो सात रंग रेनबो रो से अनुसार तिला तो देखिले सेठु जदि तमरो भिवगीय रो आई नथिला तो बी तिला जदि बी नथिला तो जी तिला कि बा किछि नथे कि खाली रेड तिला तो एई भली आस्तुला जो माने धर सातटा नथे कि चारटा रहतला कि तीनटा रहतला कि दुइटा रहतला कि गुटे रहतला जोटा रहतला आइदर बहुत रहतला नले आदर रह नथला तो एई भलिया एग्जांपल नै किना तो से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नै किना किछि तार एनर्जी लेवल सब देथिले सेटा को कह जाय तुमरो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ताले कोन थला देखो एटा नियाइ छि हाइड्रोजन सेलटा ताले देखो एटी तार फर्स्ट लेवल को नियाइ छि ता को हाउ छि लाइमन सीरीज सेकंड ता को हाउ छि बाल्मर सीरीज थर्ड ता को हाउ छि पास्केन सीरीज फोर्थ ता को हाउ छि ब्रैकेट सीरीज फिफ्थ ता को हाउ छि पीफोन सीरीज एमते रहि छि आरो सब 6 7 8 सब रहि छि बुझिला तो जो एटा को फर्स्ट टा को लाइमन सीरीज का को कहा जाय देखियो तले दे सीरीज इन व्हिच ऑल द लाइंस कोरेस्पोंडिंग टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एक्साइटेड स्टेट टू फास्ट ऑर्बिट एटा देखो तुम जो एरो गुडा सब शो करा है देखो एटु गला फास्ट को एटु गला फास्ट को एटु गला फास्ट तले फास्ट ऑर्बिट को गला कोउथिरु हायर एनर्जी लेवल बा हाई एक्साइटेड स्टेट रु हाई एक्साइटेड हेले केमती जो हमें हीट कलर देखो ये गरम कला फल सब आसला कि स्पेक्ट्रम ताले ए जिंसा ता हिट भी हला तो हीट अप कला फल कोन ला इलेक्ट्रॉन सब एक्साइटेड स्टेट को पळे गले ताले इ कोन ला हायर एक्साइटेड स्टेट रु से जीवो फास्ट ऑर्बिट को सेटा को कहला तमर लाइमन सीरीज फास्ट ऑर्बिट को गले ताको कहला तमर लाइमन सीरीज ताले दी वेव नंबर फॉर लाइमन सीरीज पे कोन रहितला तमर न्यू बार इक्वल टू आर इक्वल टू 1 बाय तमर खटा तमे पढीतले वेव नंबर रो बाहर करतले हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल लो फॉर्मूला था कौन न्यू बार इक्वल टू आर इनटू 1 बाय 1 एटी एन 1 स्क्वायर थिला माइनस एन 2 स्क्वायर थिला तले एन 1 टा के हो एटी तोर 1 हो काहे कि 1 पक्कू आसीबो कोठो आसीबो इनफिनाइट रु आसीबो बा ता टू हायर एक्साइटेड स्टेट रु आसीबो तले एन 2 थिला तोर फाइनल एन 1 थिला इनिशियल से पे इनिशियल लखाला तोर एटा के तोर फाइनल थिला के एटी आसी पहुंचबो का पकरे 1 पकरे पहुंचबो तले नेलाटी 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर तले ए जो एन टा कोन होबो हायर एक्साइटेड स्टेट माने हायर माने कोन हेतबो 1 टू बडो हेतबो तले एन वैल्यू केते हेबो 2 3 4 5 6 इंदे नेक्स्ट आसीबा का पाको बाल्मर सीरीज कोन ला ये भी से हायर एक्साइटेड स्टेट को आसीबो किंतु को ऑर्बिट को आसीबो सेकंड ऑर्बिट को बुझिला एट देखो तुम डायग्राम से कराइ छी एट देखो सेकंड ऑर्बिट को निहाइ छी सब गुडा बुझिला तले हायर एक्साइटेड स्टेट रो सेकंड ऑर्बिट को आसिल ताको कहला तमरो बाल्मर सीरीज तले फार्मूला कोन हो एठी न्यू बार इक्वल टू आर इनटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर एठी एन टा कोन हो हायर कहिसि माने 2 टू बडो हो माने 3 4 5 6 नेक्स्ट देखिया का पाको पास्केन पाको पास्केन सीरीज कोन कहू छी सेही भलिया हायर एक्साइटेड स्टेट को आसीबो को ऑर्बिट को ये हो थर्ड ऑर्बिट को बुझियला थर्ड ऑर्बिट माने तोर फार्मूला हला न्यू बार इक्वल टू आर इनटू 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर तले एठी एन टा कोन हो थर्ड ऑर्बिट को थर्ड रो अधिको अधिको माने केते 4 5 6 बुझिला नेक्स्ट सेमती आसीबा ब्रैकेट ब्रैकेट हबो कोन हायर एक्साइटेड स्टेट टू फोर्थ ऑर्बिट माने फार्मूला हला न्यू बार इक्वल टू आर इनटू 1 बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर बुझिला ताले एठी एन नो वैल्यू केते हबो 4 अधिको माने 5 6 7 8 9 ए बोले चलला तापर पुनी आसीबो लास्ट पी फोन तापर पी फोन केते हबो ये हायर एक्साइटेड स्टेट को आसीबो फिफ्थ ऑर्बिट पर्यंत बुझिला फिफ्थ ऑर्बिट माने सेही वाले फार्मूला तमरो हो न्यू बार इक्वल टू आर इनटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर एठी एन टा कोन हो 5 रु
अधिक ग्रेटर देन 5 माने 6 7 8 एगुडा बुझि गेला ता तीन तुम्हारा पांचटा सीरीज को कंसीडर करा है छि गोटे होची लाइमेन बालमार पास्केन ब्रैकेट एंड पीफोन तले बुझि गेला फार्मूला को बले आसला तापर देखिबा तुम्हारा एनर्जी लेवल्स ऑफ एच आइटम तले जो एच आइटम रो तुम्हारा एनर्जी लेवल गुडा कोन छि ए जो लाइमेन सीरीज को नै केते एनर्जी आसुची बालमार सीरीज को नै केते एनर्जी आसुची पास्केन सीरीज को नै केते एनर्जी आसुची बा ब्रैकेट पीफोन को नै केते एनर्जी आसुची तले देखो ये जो बोर एटॉमिक फोटो एटम मॉडल जो हमें पढ़ी थिलु सिटी एनर्जी रो फार्मूला केते पाई थिलु हमें e इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर एटा पाई थिला हमें सेटू यदि माने पड़नी देखि देबो तले यदि हमें ए जो e रो वैल्यू पाइबा पई यदि ए सब वैल्यू गुडा पुट कर दू एम रो वैल्यू जेड रो वैल्यू ई रो वैल्यू एप्सिलॉन 0 रो वैल्यू आ एन स्क्वायर रो वैल्यू एच रो वैल्यू तले हमें एनर्जी केते पाइबा एनर्जी पाइबा हमें तुम्हारो कैलकुलेशन करले पाइबा होची माइनस 13.6 ईबी बुझिला केमती देखो इठी आछी तुम्हारो ई इक्वल टू माइनस 9.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 31 पुट करले हमें कहा जगह रे एम जगह जोडा होची तुम्हारो इलेक्ट्रॉन नो मास सेमती इलेक्ट्रॉन चार्ज पुट करा गला एच होची तुम्हारो प्लैंक्स कांस्टेंट जानिचो एप्सिलॉन 0 वैल्यू जानिचो तुम 8.854 आ जेड हला तुम्हारो 1 हाइड्रोजन एटम पई बुझिला तले हमें पाइले इक्वल टू एति की वैल्यू पाइले तापर देखो एटा तुम्हार एनर्जी टा छि तार यूनिट जूल जूल ले अछि याको कोन करियो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करबा हमें जानि छु फार्मूला 1 ईवी इक्वल टू हुए तुम्हार 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस जूल तले 1 जूल इक्वल टू केते हबो 1 बाय 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 ईवी ताहले एठी देखो हमें जूल टा को कन्वर्ट करिया तले कोन करबा एठी जो रहिला तुम्हार एठी माइनस 21.78 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 बाय एन स्क्वायर अछि ताहले 1 जूल रो वैल्यू केते एति की ताहले एति की हमें कोन करबे एठी मल्टीप्लाई कर दवा हां कि ना ताहले वैल्यू केते पाइबा 1 10 टू द पावर माइनस 19 ईबी पाइले हम एति की वैल्यू ताहले सेति की कैलकुलेशन करले हम एति देख लेखा हे से जिंसडा ताहले याको कैलकुलेशन करला पोरे तोर वैल्यू आसीला केते माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर मनरिला एटा हला तुम्हारे एनर्जी रो जनरल वैल्यू इन जनरल वैल्यू टा एबे कोन करिबा फर्स्ट ऑर्बिट पई पकेबा सेकंड ऑर्बिट पई पकेबा थर्ड ऑर्बिट पई पकेबा तले फर्स्ट ऑर्बिट माने एनटा कोन हबो 1 हबो जोडा तुमर कह छै फर्स्ट ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट एनर्जी जेंति तुमर दे तीन मल्ला घर गुडा रे फर्स्ट तळे जडा से त कोन कह छै ग्राउंड फ्लोर कह छै ता उपरटा को कोन कह छै दी मल्ला कोन कह छै फर्स्ट फ्लोर सेंति तीन मल्ला कोन कह छै सेकंड फ्लोर एठी भी सेइ बोलिया फर्स्ट टा को तमे कहा जीवो ग्राउंड स्टेट ता पर सेकंड टा कहा जीवो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ता पर तीन नंबर को कहा जीवो सेकंड एक्साइटेड स्टेट ता पर एई बले बडी बडी चालू त देखियो फर्स्ट n पई यदि n इक्वल टू 1 नबा लाइमेन सीरीज पई n1 माने कोन टा लाइमेन सीरीज टा हेड देखि पर तम डायग्राम से कराई डायग्राम देखो 1 पई नै आछि लाइमेन सीरीज टा n इक्वल टू 1 छि ताहले यदि हम एठी 1 पके देबा n जगह तर से कोन आसीबो 1 माने से सेति के आसीबो -13.6 ईबी बुझिला तापरे n इक्वल टू 2 पकेबा n इक्वल टू 2 माने 2 रो स्क्वायर हे जीव 4 ताको डिवाइड करले e2 रो वैल्यू केते आसीबो -3.4 ईबी जोडा कहा पई आसछि तमरो होची बालमार सीरीज पई बुझिला तापरे n इक्वल टू 3 पई नबा n इक्वल टू 3 नले तारो e3 रो वैल्यू आसीबो -1.51 ईबी जा होची तमरो पास्केन सीरीज पई बुझिला तापरे हला तमरो e4 होची -0.85 ईबी जोटा तुम आसची ब्राकेट सीरीज पई तापर आसीबो तुम रहउची n5 n5 टा निहाची देखो -0.54 ईबी एटा जे तुमरो p फोन सीरीज पई एमती आहुरी बडी बडी 6 7 8 9 10 पर्यंत जाईबो पूरा लास्ट रे पहुचले से एनर्जी रो वैल्यू टा केते हेइतबो 0 हेइबो बुझला इनफिनाइट रे काई कि तुम देखत 1 बाय तले जदी हमें n रो वैल्यू इनफिनाइट पकेबा 1 बाय इनफिनाइट रो वैल्यू केते 0 जानिचो तणो इनफिनाइट रे एनर्जी केते हेइजिवो 0 हेइजिवो तले एटा को कहजे तमर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एच एटम एटा ल तमर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एच एटम बुझिला तले देखो इट सेंट लिखाय जे देखो लाइमेन सीरीज को रसची हायर एक्साइटेड स्टेट 1 पे केते हे परे 2 भी हे परे 3 हे परे 4 हे परे 5 हे परे एमते हे परे कि नै सेंते 2 पे कोन हे परे 3 हे परिवो 4 हे परिवो 5 हे परिवो 6 हे परिवो 7 हे परिवो 8 हे परिवो एमते हे परिवो सब तले एटा ल तमर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एच एटम त
ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର ଏକ୍ସାଇଟେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ଏକ୍ସାଇଟେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ମାନେ ତୁମର ନାଁରୁ ଆସୁଛି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମେ ଏନର୍ଜି ଦେଉଛୁ, ଏନର୍ଜି ଦେଲା ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଯିବେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟରେ ଥିଲେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଏନର୍ଜି ଦରକାର। ସେଇ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟାକୁ କୁହାଗଲା ତୁମର ଏକ୍ସାଇଟେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଏକ୍ସାଇଟେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଫ୍ ଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଏକ୍ସିଲେରେଟିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଟୁ ରିଚ୍ ଦି ହାୟର ଅର୍ବିଟ। ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟକୁ ଯିବ, ଏଇଟକୁ ଯିବ ମାନେ ତାକୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର। ସେଇ ଯେଉଁ ଗଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ଏକ୍ସାଇଟେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଏଇଠୁ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ପାଇଯିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିହାତି ଦେଖ, ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ବିଟ କେତେ, -13.6 ଇଭି ତୁମେ ପାଇଲ ଏଇଠୁ। ଏଇଟା ଦେଖ ପାଇଛ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଟା ପାଇଛ। ସେମିତି ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ବିଟ କେତେ ପାଇଲ, -3.4 ଇଭି ପାଇଛ ଏଠି। ତାହେଲେ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ମାଇନସ୍ କଲେ କାହାଠୁ ଫାଇନାଲ ମାଇନସ୍ ଇନିସିଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟରୁ ଯାଇଛି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟକୁ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା -3.4 -13.6 -- ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଏଠି ତମର ରହିଲା କେତେ 10.2 EV। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଏକ୍ସାଇଟେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ବାହାର କରିପାରିବ ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ବିଟ, ଥାର୍ଡ ଅର୍ବିଟ, ଥାର୍ଡ ଅର୍ବିଟରୁ ଫୋର୍ଥ ଅର୍ବିଟ, ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ବିଟରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ବିଟ, ଥାର୍ଡ ଅର୍ବିଟ, ଏଇଭଳିଆ ତମେ ବାହାର କରିପାରିବ ସବୁ ମାଇନସ୍ କରିକିନା। ଏଇଟା କୁହାଗଲା ତମର ଏକ୍ସାଇଟେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ତାପରେ ଆସିବା କାହା ପାଖକୁ, ଆଇନାଇଜେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆଇନାଇଜେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ହେଲା ଏଟା କାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଏଠି ତୁମର ଯଦି ଅଧିକା ଏନର୍ଜି ଦେଲା ପରେ ତୁମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଗେନ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ବିଟ କୁ ପଳେଇବେ। ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ବିଟ କୁ ପଳେଇବେ ମାନେ କ'ଣ ହବ, ତ ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଯିବେ, ଚାର୍ଜ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଆୟନ କୁହାଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କୁହାଗଲା ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆୟନାଇଜ ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ତମର ଆୟନାଇଜେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ତାହେଲେ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଫ୍ ଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଅର୍ବିଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଏକ୍ସିଲେରେଟିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏକ୍ୱାୟାର୍ସ ଦି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଟୁ ରିଚ୍ ଦି ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ବିଟ। ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ବିଟ ମାନେ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ରେ ହେଇଥିବ, ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି, ଯୋଉଠି ତମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇନଫାନାଇଟ୍ ମାନେ ଏନର୍ଜି ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆଇନାଇସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ସିନ୍ସ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ର କ'ଣ ହବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ପଜେସେସ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହ କରୁଛି, ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ସ 13.6 EV ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଟୁ ବି ଡିସପ୍ଲେସ୍ଡ ଟୁ ଦି ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ବିଟ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ 13.6 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ବିଟ କୁ ଯାଇପାରିବ। ତାର ତାର ଆୟନାଇଜେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କେତେ ହେଲା 13.6 EV। ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ ଏଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଡ୍ରୋଭେକ୍, ଯେମିତି ତୁମର ଥମସନ୍ ମଡେଲ ଥିଲା, ରଦରଫୋର୍ଡ ମଡେଲ ଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ବୋର୍ସ ମଡେଲ ବି ରହିଲା। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିମିଟେସନ କ'ଣ ହେଲା, ଦିସ୍ ଥିଓରି ଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଓନ୍ଲି ଟୁ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଆଟମ୍ ଲାଇକ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ୱିଥ୍ ଜେଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାନ୍, ଦି ଥିଓରି ଫେଲ୍ସ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ ୱିଚ୍ ଜେଡ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ୱାନ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ସ ଆଟମିକ ମଡେଲଟା ଥିଲା, ଦେଖ ସବୁଗୁଡ଼ା କନସିଡର କରାହେଇଛି କାହା ପାଇଁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ପାଇଁ, ଅଲଗା କୌଣସି ଆଟମ୍ ନିଆ ହେଇନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ରହିଲା, ସେ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ ଆଟମ୍ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍ ପାଇଁ ସହ କରିଦେଲେ, ବାକି ଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଏଇ ଥିଓରି ଏତେ କାମ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଥିଓରି ଡାଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହ୍ୱାଇ ଅର୍ବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆର୍ ଟେକେନ୍ ଏ ସର୍କୁଲାର ହ୍ୱାଇଲ୍ ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ଅର୍ବିଟ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ପସିବୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟୁଲେଟର କହିଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ପାଥରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍କୁଲାର ପାଥଟା କହିଲେ, ସିଏ ତାର ମାନେ ସିଏ ଏନ୍ସର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ସାର୍କୁଲାର ପାଥରେ ହେଲା। ଆମେ କହିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା, କାହିଁକି ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ପାଥରେ ହବନି, ଯେମିତି ତୁମର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଭ୍ କରୁଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଢ଼ୁଥିଲ, କେପ୍ଲର୍ସ ଲ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ପାଥରେ ମୁଭ୍ ନ କରିକି ସାର୍କୁଲାର ପାଥରେ ମୁଭ୍ କଲେ, ତାର ଥିଓରି ସେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି, ବୋର୍ସ ଥିଓରି ଡାଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି ଫାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ୍ସ। ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଧର ସେଇ ଭେବିଗିୟର ଆସୁଥିଲା, ଭେବିଗିୟର ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆସୁଥିଲା ବେଶୀ ଆସୁଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା ମୂଳ ଆସୁନଥିଲା, ବିଲକୁଲ ଆସୁନଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଠି ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଫାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ପୁରା ଡେଫିନେଟ୍ ସେପ୍ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ବୋର୍ସ ଥିଓରି ଡାଜ୍ ନଟ୍ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ଦି ରିଲେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ୍ସ। ଏ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇକି ତାର ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଓରି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ବୋର୍ସ ଥିଓରି ଡାଜ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦି ୱେଭ୍ ପ୍ରପାର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାର ୱେଭ୍ ପ୍ରପାର୍ଟିଜ୍କୁ ନେଇକି ବି କୌଣସି ଥିଓରି ଦେଲେ ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କର ଥିଓରିରେ ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ତୁମର ବୋର୍ସଙ୍କର ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ବା ଲିମିଟେସନ୍ସ। ତ ତୁମ ସିଲାବସ୍ରେ ସବୁ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ତ ଆମେ କଭର କଲୁ କ'ଣ କ'ଣ, ରଦରଫୋର୍ଡ ଆଟମିକ ମଡେଲ, ରଦରଫୋର୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଆଲଫା ରେ ସ୍କାଟରିଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ବୋର୍ସ ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ସ, ବୋର୍ସ ଆଟମିକ ମଡେଲ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍। ତ
हायर क्लास को जीव तुम देख बोर्स आज जो साइंटिस्ट ना है समरफेल्ड सहित मिसिकी आपर कि मॉडिफिकेशन करते हैं तो तुम थ्योरी अनुसार तुम सिलेबस अनुसार तुम एटॉमिक फिजिक्स आज कम्प्लीट हो गला। तो नेक्स्ट क्लास में आम जी गोटे नुआ टॉपिक दैट इज योर न्यूक्लियर फिजिक्स।